हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य नेशनल पार्क्स एंड वाइल्डलाइफ सेंचुरीज ये क्या होते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इनको बनाने का पर्पस क्या होता है, मोटिव उद्देश्य कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौनल। देखिए, फ्लोरा मीन्स होता है वन्यजीव यानी जीव जंतु, और फौनल मीन्स होता है वनस्पति पेड़ पौधे। इनको संरक्षण करने के लिए, इनका कंजर्वेशन करने के लिए ही बनाए जाते हैं नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए, वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके टू टाइप्स है, दो तरीके हैं। पहला है इन सिचू कंजर्वेशन, दूसरा है एक्स सिचू कंजर्वेशन। इन सिचू कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं कि जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनको उनके मूल निवास पर ही उनको कंजर्वेशन करते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है। जैसे कोई जंगल है तो उसको, जंगल को ही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जानवर का संरक्षण पॉसिबल है और ये काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है। इसके एग्जाम्पल हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। और दूसरा है एक्स सिचू कंजर्वेशन, इसमें जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण उनके मूल निवास से दूर किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है जू, बॉटनिकल गार्डन्स, एक्वेरियम, फॉरेस्ट रिजर्व्स, जू। जैसे जू चिड़ियाघर होता है, इसमें जानवरों को यहाँ पे रखा जाता है और जो उनका जो प्राकृतिक आवास है उससे बिल्कुल अलग तरीके से वो यहाँ पे रहते हैं। बॉटनिकल गार्डन एक पार्क होते हैं, एक्वेरियम एक मछली घर होता है, कृत्रिम मछली घर। हम देखते हैं घरों में भी कई लोग एक्वेरियम रखते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च एक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे बहुत सारे जानवरों को रखा जाता है और उन पर रिसर्च की जाती है। अब नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, नेशनल पार्क्स में जो पहला डिफरेंस है और सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है नो ह्यूमन एक्टिविटी ओनली टूरिज्म। जो नेशनल पार्क है उसमें किसी प्रकार की मानव गतिविधियां अलाउ नहीं होती हैं, केवल टूरिज्म को अलाउ किया जाता है, वो भी बहुत ही कंट्रोल रहता है। जैसे अगर आप नेशनल पार्क विजिट करना चाहते हैं तो आपको पहले से ही उसका ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी। इसके बाद उसको जाने के लिए कई बार उसके टाइम रहता है, इस टाइम से इस टाइम तक ही जा सकते हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पूरे नियंत्रण में रहता है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसमें कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाता है, जैसे कुछ ज़रूरी पेड़ पौधों को काटना, पशुओं को चराना, लेकिन उनको भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। देखिए, नेशनल पार्क्स बाउंड्री और फेंसिंग। नेशनल पार्क की एक बाउंड्री होती है, एक फेंसिंग होती है। ये होता है कि नेशनल पार्क कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म होगा, ये निश्चित रहता है, उसका एक एरिया रहता है, डिफाइन एरिया होता है। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की कोई भी बाउंड्री और फेंसिंग नहीं होती है। नेशनल पार्क कैन नॉट बी डाउनग्रेड। डाउनग्रेड मीन्स इसको हम कम नहीं कर सकते, इसकी जो इसके जो नियम है, जो कानून है, उसको घटा कर उसको किसी और चीज़ों में, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं नेशनल पार्क को। लेकिन एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को अपग्रेड किया जा सकता है नेशनल पार्क में, यदि हमें लगता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को और ज़्यादा कंजर्व करने की ज़रूरत है तो हम उसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे नेशनल पार्क जो IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया भी कहते हैं इसको, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कहते हैं IUCN कैटेगरी 4 प्रोटेक्टेड एरिया। IUCN क्या है? IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यह क्या है, 1972 में एक कानून पास हुआ जो कि जीव जंतु और जानवरों को अधिक संरक्षण प्रदान करता है। इसमें शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 5 तक है, और जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5 आता है।
शेड्यूल वन में इस पूरे एक्ट में जानवरों को कैटेगराइज करके अलग अलग शेड्यूल में रखा गया। जैसे शेड्यूल वन में रखा गया है कुछ ऐसे जानवर रखा गया है जिनका शिकार करने पर सख्त पाबंदी है और कड़ी सज़ा का प्रावधान है। शेड्यूल टू में उस शेड्यूल वन की अपेक्षा कुछ छूट दी गई। इस तरह शेड्यूल थ्री और फोर फाइव में छूट का दायरा बढ़ता गया। शेड्यूल फाइव में कुछ ऐसे जानवर भी रखे गए हैं जहाँ पे उनका कुछ विशेष परिस्थिति में शिकार किया जा सकता है। तो ये पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके बाद ही नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनना शुरू हुई। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के आने के पहले भी भारत में 5 नेशनल पार्क थे। हम देखते हैं पहला नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन था। यह है हैली नेशनल पार्क जो कि 1936 में बना। यह सबसे पहला नेशनल पार्क था। अब इसको नॉट कॉल्ड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट कौन थे? यह एक टाइगर शिकारी थे, उन्हीं के नाम पर इस नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नाम रखा गया। एट प्रेजेंट 105 नेशनल पार्क, वर्तमान में भारत में 105 नेशनल पार्क हो चुके हैं। एरिया जो कि 40,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं पूरे देश का, और जो भारत के क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का 1.23% है। 105वां जो अभी लेटेस्ट नेशनल पार्क बना है वो कौन सा है? वो 2018 में बनाया गया है, वो है पालपुर कूनो नेशनल पार्क। पहले ये पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी शिवपुर मध्य प्रदेश में, इसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यह एक ओवरव्यू वीडियो था नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। हम आगे समझेंगे नेशनल पार्क्स को और डिटेल में, पूरे 105 नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को आगे और डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।